सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संग रांची में बिहार झारखंड के इस प्रांतीय संत समागम के अवसर पर कल से ही एक आनंदमय वातावरण बना हुआ है। कल भी चाहे सुबह दोपहर को शोभा यात्रा का रूप बना या फिर शाम को सत्संग का मधुर आनंदमय वातावरण बना, और अभी सेवा दल की रैली के रूप में भी सभी आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जो सेवा दल के जवान अधिकारी लगातार सेवाओं में अपने आप को समर्पित किए रखते हैं, ऐसे समागमों की तैयारियों के लिए भी मैदानों की तैयार करना, इस लायक बनाना, जहाँ पर जिस शहर में भी ऐसा आयोजन होता है वहाँ की स्थानीय संगत भी योगदान देती है, और मुख्य रूप में सेवा दल का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जहाँ पर सभी निष्ठापूर्वक इस तरह से अपने आप को सेवा के मैदान में उतारते हैं, जहाँ पर एक लगन दिखाई देती है, जो लगन सेवा भाव से युक्त होती है, जो साध संगत के प्रति समर्पित होती है, जो परोपकार के जज्बे से युक्त होते हैं, ऐसी एक भावना लिए हुए सभी जगह जगह पर हिंदुस्तान के हर प्रांत में, जहाँ पर क्षेत्रों में बांटा गया है और लोकल लेवल के ऊपर, यूनिट लेवल के ऊपर सेवा दल के जवान अपना योगदान, अपना कार्य कर रहे हैं, जो सेवा के जज्बे से युक्त हैं, जहाँ पर सत्संग भवनों के भी अनेकों अनेकों रूप बने हुए हैं, और उन सेवा उन भवनों के लिए भी जहाँ पर निर्माण के वक्त भी योगदान होते हैं, और जब रूप बन जाता है फिर भी उसकी साफ सफाई और बाकायदा जो वीकली सत्संग होता है उस लिहाज से भी भवन को मेंटेन भी करना, और साथ ही साथ सत्संग के समय या उसकी तैयारियां और संपन्नता के बाद भी जो सेवा दल अपना योगदान देता है, और इसमें बहनें भी पूरा कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, जो ये वर्दियां पहने हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान लगातार दे रहे हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चों में भी उत्साह देखने को मिलता है, ये तमाम गृहस्थी जहाँ गृहस्थ निभाते हैं और गृहस्थी को नाना प्रकार के पहलुओं से जूझना पड़ता है, नाना पहलू हैं गृहस्थ के पालन के वक्त, मेहनत मुशक्क़त, नौकरी चाकरी, बच्चों की देखभाल, उनकी पढ़ाई लिखाई, गुजरान, अनेकों अनेकों रिश्तेदारियाँ भी निभानी होती हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसे कर्तव्यों का पालन करते हुए और ऐसी स्थितियों में से गुज़रते हुए ये फिर भी अपना समय देते हैं सेवा के लिए, और पहुंच जाते हैं वहाँ वहाँ अपने योगदान देने के लिए, चाहे वो स्थानीय सत्संग का मौका हो, चाहे वो प्रांतीय समागम का मौका हो, चाहे वो सालाना संत समागम का मौका हो, या फिर कहीं पर सोशल एक्टिविटीज़ जो मिशन की तरफ से लगातार हो रही हैं, ऐसी एक एक्टिविटीज़ जो कि ब्लड डोनेशन कैंप्स के रूप में है, कहीं पर मेडिकल चेकअप कैंप्स हैं, कहीं आई कैंप्स हैं, कहीं पर कोई फ्लड्स इत्यादि आती हैं, बाढ़ के स्थितियां होती हैं,
या फिर कोई और ऐसी कुदरती आपदा होती है, तो हर मौके के ऊपर ये सेवा दल सबसे पहले पहल करता है और ये वहाँ जाकर अपने निष्ठा और लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ इस कदर अपने योगदान देते हैं कि वहाँ के स्थानीय लोग या एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखने वाले वो सब इस बात पे कायल हो जाते हैं कि वाकई ही ये बहुत निष्ठा के साथ, डेडिकेशन के साथ जो जो भी सेवाएं होती हैं उनको समर्पित करते हैं। अगर सफाई अभियान के मौके आते हैं, जो भी रैली के रूप में आपने भिन्न भिन्न रूप देखे, जहाँ पर सेवा के जो पहलू हैं भिन्न भिन्न उनको दर्शाया गया, जो मिशन की तरफ से जो ऐसे कार्य हो रहे हैं, जो फाउंडेशन जो बनाई गई विशेष करके इसीलिए सामाजिक सेवाएं समुच्चा मिशन कब से कर ही रहा है, लेकिन समाज के प्रति और सेवाएं और विस्तार धारण करें इसलिए ये चैरिटेबल फाउंडेशन का रूप बनाया गया और उसके बैनर के नीचे जगह जगह पर इतने इतने कार्य हो रहे हैं जिसमें कितने यूथ, कितने नौजवान उसमें शामिल होते चले जा रहे हैं। और इस तरह से सफाई अभियान जहाँ जहाँ पर भी होता है वहाँ वहाँ ही स्थानीय संगतें भी योगदान देती हैं और जवान भी अपनी निष्ठा के साथ, लगन के साथ योगदान देते हैं। तो इस तरह से ऐसे अवसर, ऐसे मौके के ऊपर महापुरुष भक्तजन ये लगातार ऐसी एक निष्ठा के साथ ही अपने योगदान और इस प्रकार से ये तमाम महापुरुष भक्तजन अपने समाज के प्रति भी योगदान देते चले जा रहे हैं, सारे संसार को अपना मानते हैं, सारे संसार के लिए ये इस प्रकार से अपनी निष्ठा और लगन के साथ ये आपाप वारते हैं। तो इस सेवा दल की रैली के रूप में भी इन्होंने सेवाओं के साथ साथ इस रूप में भी साध संगत की आशीर्वाद प्राप्त की है, जो सेवाओं के भिन्न भिन्न रूप एक समागम के अवसर पर ही आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर लंगर वाला पहलू है उसकी तैयारी और फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाला पहलू है, पंडाल वाला पहलू है, वॉच एंड वार्ड वाला पहलू है, ट्रैफिक वाला पहलू है, शौचालय इत्यादि या और यूटिलिटीज़ जिसको हम कहते हैं बेसिक यूटिलिटीज़, उसको उसके लिए भी कतारें बनानी और कतारों में संगतों को सुचारुता से चलाना, इसी तरह से कोई कैंटीन में लगा हुआ है, कोई दफ्तरों में लगा हुआ है, कितने कितने रूप हैं साफ सफाई वाले, प्याऊ के ऊपर पानी के छिड़काव के ऊपर, एक एक करके हम देखते चले जाएं कितने ही पहलू हैं जो रेंज ऑफ सेवाएं जो सेवा दल करता है वो हमें इस प्रकार से नज़र आती हैं। तो आज सेवा दल की रैली के रूप में भी ये यही मांग रहे हैं कि दातार कृपा करे, ऐसी तौफीक, ऐसी शक्ति हमें दिए रखे ताकि हम भाग भाग कर सेवा करते चले जाएं, हम हमेशा मर्यादा डिसिप्लिन में रहें, कहीं पर भी मनमानी ना हो, कहीं पर भी क्यों किंतु ना हो, कहीं पर भी सेवा से मन चुराने वाली अवस्था ना हो, हमेशा उत्साह हो सेवा के प्रति, कोई हील हुज्जत ना हो, कोई भी ऐसा बहाना हमें सेवा से दूर ना ले जाए, हम हमेशा ही सेवा के लिए उत्साहित रहें। जिस तरह से महापुरुषों का, अधिकारियों का आदेश आ जाता है उसी ओर ही हम चल निकलें, तो इसी प्रकार से ये सेवा दल की रैली के रूप में भी
आज इन्हीं भावनाओं को और मजबूती प्राप्त हो रही है और यही अरदास की दातार कृपा करे कि ये भावना ये हमेशा बनी रहे, ये निर्मल सोच हमेशा बनी रहे, ये व्यापक सोच हमेशा बनी रहे और हर किसी के लिए काम आने के जज्बे ये हमेशा बने रहें। जैसे तुलना की जाती है उस वृक्ष की तरह, जो वृक्ष खुद सारा दिन कड़कती धूप में खड़ा रहता है लेकिन औरों को छाया देता है, इसी तरह से ये सेवादल के जवान भी अगर कड़कती धूप है, चाहे बरसात का कोई मौसम ऐसा बन जाता है या कोई और ऐसा सर्दी ऋतु होती है, कितनी सर्द ऋतु होती है, ठिठुरते रहते हैं हम तो, फिर भी कहीं पर कोट डालेंगे, स्वेटर तीन तीन डाल लेंगे, लेकिन देखा जाता है कि सेवा दल की बहनें भी यही पतले से जो कपड़े हैं उस सर्दी के लिहाज से देखें तो उस वक्त महसूस कर सकते हैं कि कितनी ठंड होती है। तो ऐसी ऐसी स्थितियों में भी ये लगातार योगदान अपने देते हैं और अपनी भक्ति को और सुदृढ़ करते हैं। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा लिए बगैर इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा और ये सेवादल की रैली का संक्षिप्त सा रूप बहुत ही सुंदर ढंग से निभाया गया है और इसी तरह से ये जागृति आती चली जाए और ये सभी सजग रहें, जो जो भी जिस रूप में भी सेवाएं आती हैं उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करके समझकर और जो जो भी जिसका रोल जिस वक्त जहां भी होता है उसको उस तरह से क्लैरिटी के साथ वो उसको निभाते चले जाएं। ऐसी ही शुभकामना के साथ दास से इजाज़त चाहता है सात संगत जी, धन्यवाद।